सर जी, एक अलग विषय है। पूरे प्रदेश में इसमें खनन माफियाओं को लेकर काफी शिकंजा कसा जा रहा है। सतना की जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, रात को भर लोड और अवैध उत्खनन कराती हैं, और सुबह पिट पास कहीं का और जो माल आता कहीं और का, इसके रोकथाम के लिए क्या प्रयास? देखिए, सरकार ने उसमें ई पिट पास की व्यवस्था किया है। अब कोई भी उसमें बेईमानी कर ही नहीं पाएगा, चाहे दिन में हो चाहे रात में। ई पिट पास का मतलब ये होता है कि वो पिट पास इनको काटना ही काटना पड़ेगा। और अब तो मेजरमेंट भी होने लगा कि भाई जिस खदान से माल निकाला गया, अगर वहां पर उतना उत्खनन हुआ है और उतने का पिट पास नहीं जमा हुआ तो उनको एडवांस में वो पैसा देना पड़ेगा, उनको प्लांटी लगेगी उनको। खनन तिहाई एरिया में होता है, पिट पास डिगरहट रामपुर वगैरह में किया जाता है। हमारा दृष्टिकोण देखिए दूसरा। हमारा ये कहना है कि अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन अगर हम पूरी तरह से बंद कर देंगे तो बाकी भी हमारे काम उससे प्रभावित होंगे। अब जैसे हमारी सड़क बन रही है, अब NH बन रहा है, और कहीं स्टेट की सड़कें बन रही है, सरकारी भवन बन रहे हैं, तो वहां तो हमको मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो वो भी तो काम प्रभावित होगा। नियम के साथ हो, नियम सबके लिए बराबर है, और दिशा में अगर प्रशासन काम कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा।